अभी हाल ही में देखा कि पीएम मोदी साहब ने बाघ गणना 2022 के पांचवे चक्र के आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों में देखा गया है कि पिछले चार साल में 6.7 सात परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है बाघों की संख्या में और 2018 की जनगणना में ये संख्या थी उनतीस यानी कि 2000 नौ और 2022 की जनगणना में ये संख्या है तीन और आप देखते हैं कि बाघों की जनगणना होती है तो उनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस सवाल पूछे जाते हैं फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आई की, की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रदेश पीसीएस राजस्थान पीसीएस सी इन सब में प्रिलिम्स में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं वन डे एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इस क्लास को देखने के बाद मुझे लगता है कि तमाम जानकारी आप लोगों के पास आ जाएगी इस जनगणना से जुड़ी हुई और कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका आंसर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे ये बाघ आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश को आप लोग क्या कहते हैं बाघ टाइगर स्टेट भी कहते हैं बाघ प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहां संख्या देखने को मिलती है आपको तो आप देखेंगे बाघों की गणना में भारत के 20 राज्यों के आवासों को शामिल किया गया और इसमें आप देखेंगे अठासी स्थानों पर कैमरा लगाए गए और इनसे कितना आप देखेंगे कि चार करोड़ सत्तर लाख इक्यासी हजार आठ सौ इक्यासी तस्वीरें ली गई हैं और इसके जरिए इनकी गणना की गई है प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए ये गणना जारी की है एक बार आप लोग कर्नाटक चलिए देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखिए दक्षिण भारत में आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा इसकी राजधानी है क्या कर्नाटक की बेंगलोर इसकी राजधानी है और आप लोगों को एक और बात बता दो, जो हमारा अंतरिक्ष एजेंसी है ना इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ उसका हेडक्वार्टर भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलता है पंद्रह अगस्त उन्नीस में स्थापना हुई थी उसकी एक नवंबर उन्नीस में कर्नाटक को राज्य बनाया गया था और इसकी सीमा गोवा हो महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल से लगती है यहां विधानसभा में आप देखें 224 सीटें हैं विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं राज्यसभा में 12 सीटें हैं लोकसभा में 28 सीटें हैं एक लाख इक्यानबे हजार सात सौ इक्यानवे वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है तो आप देखेंगे कि अगर आई की बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की तो आई को बाघ से तेंदुआ तिंदुआ चीता जगुआर प्यूमा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और इसके सदस्यों में देखें तो संतानवे देश शामिल हैं इसके सदस्यों में और आई के इस संबंध में साझेदारी क्षमता निर्माण पर्यावरण पर्यटन पर बल देने पर केंद्रित भी है कौन सा आई और इससे सूचना का प्रसार होने के साथ सदस्यों के बीच जागरूकता विकसित भी होती है क्या होती है जागरूकता विकसित भी होती है ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में और आ, आप देखेंगे आगे कि 2018 से वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है और वर्तमान में आप देखेंगे बाघों में भारत में बाघों की संख्या तीन है जो दो में कितनी थी दो थी ये संख्या आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं पहली बार जनगणना ये 2006 में हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए 2006 में जब जनगणना हुई थी इनकी गणना हुई थी तो आप देखेंगे एक थी संख्या फिर 2004 में होती है कब होती है 2010 में होती है चार साल बाद तो तब थी इनकी संख्या कितनी एक फिर 2014 में होती है और इसमें संख्या कितनी थी 2,226, फिर 2018 में होती है उनतीस और 2022 में जो जनगणना हुई है ये इकतीस बात हो रही है मैं जनगणना की बात कर रहा हूँ जनगणना आप सभी जानते हैं कि अठारह में हम लोगों की जनगणना की बात होती है हर दस साल में होती है ना उसी की बात उन्नीस में पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में उससे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और नियमित जनगणना शुरू हुई थी अठारह में लॉर्ड रिपन के समय में और वृद्धि दर की बात करें अगर हम लोग इनकी गणना बाघों की तो दो से 18 के दौरान इनकी वृद्धि दर लगभग 33 प्रतिशत थी जो 2018 से 2022 के दौरान घटकर 6.7 परसेंट रह गई है कितनी सात परसेंट रह गई है और संख्या में वृद्धि की बात करें तो शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जबकि झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सौ चौरानवे बाघों को कैमरा में टैप किया गया था और नीलगिरी क्लस्टर में विश्व स्तर पर बाघों की सबसे अधिक संख्या है यहाँ और गिरावट देखें तो आप देखेंगे कि नवीनतम विश्लेषण से पता चला कि पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में कमी आई है वायनाड और विली ग्री रंगा पहाड़ियों में काफी गिरावट देखी गई है उच्च संरक्षण प्राथमिकता सिमलीपाल में आनुवांशिक रूप से अनूठी और कम आबादी वाले बाघों की भी उच्च संरक्षण प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है और यह रिपोर्ट अलग अलग आबादी के साथ साथ सतत आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए वैश्विक बाघ संरक्षण तकनीक की सिफारिश भी करती है बाघों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है बाघों को बचाने की बात क्यों हो रही है तो ये जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है बाघ परभक्षी की श्रेणी में शीस पर हैं और अपने आवासों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे शिकार की आबादी को विनियमित करने में मदद भी करते हैं और यह पारिस्थिति तंत्र में अन्य प्रजातियों के संतुलन को बनाए रखने में मदद भी करता है पर्यटन की बात करें तो बाघ भारत जैसे देशों में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और पर्यावरण पर्यटन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने में मदद करते हैं राजस्व स्थानीय समुदाय को समर्थन के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर सकता है और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है सांस्कृतिक महत्व भी है इनका बाघ हिंदू और बौद्ध धर्म सहित कई संस्कृतियों धर्मों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक भी है वैज्ञानिक अनुसंधान तो बाघ वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह क्रिस्टोन प्रजाति है और उनका संरक्षण उनके पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की रक्षा करने में मदद कर सकता है जल जलवायु परिवर्तन तो बाघ एक संकेतक प्रजाति है जिसका अर्थ है कि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देती है बाघों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद भी कर सकता है और भारत में अगर हम लोग बाघों की गणना की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य वन विभागों और संरक्षण एन और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ साझेदारी में प्रत्येक चार वर्ष में की जाती है कितने चार वर्ष में और गणना जमीन आधारित सर्वेक्षण और कैमरा ट्रैप से छवियों के आधार पर एक संयुक्त नमूना पद्धति का उपयोग करती है और बाघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है पैंथेरा टाइग्रिस और भारतीय उप प्रजापति प्रजाति में देखें तो पैंथेरा टाइग्रिस

बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप में कैस्पियन टाइगर मध्य और पश्चिमी एशिया से तुर्की तक ये विलुप्त हो चुका है अमूर टाइगर ये रूस चीन और उत्तर कोरिया का अमूर नदी क्षेत्र में जावा टाइगर जावा इंडोनेशिया में ये भी विलुप्त हो चुका है दक्षिण चीन टाइगर ये दक्षिण मध्य चीन में देखने को मिलेगा बाली टाइगर बाली इंडोनेशिया में ये भी विलुप्त हो चुका है फिर आप देखें सुमात्रा टाइगर ये सुमात्रा इंडोनेशिया में इंडो चाइनीज टाइगर इतरादीप ये दक्षिण पूर्व एशिया में आपको देखने को मिलेगा और खतरे की बात करें तो पर्यावास हानि पर्यावास विखंडन अवैध शिकार इनके खतरा यानी कि कमी इनके ऊपर खतरा बढ़ रहा है इनके क्षेत्र में आप देखिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनसे इनका जो रहने योग्य आवास होता है उसकी भी परेशानी खड़ी होती है और इनका आप देखते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है अवैध तरीके से इनका शिकार करके इनकी आप देखिए हड्डियाँ इनके कहते हैं कि नाखून दांत खाल ये बड़े महंगे बिकते हैं सुरक्षा की स्थिति की बात करें तो आप देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस की अनुसूची एक में सूचीबद्ध है अंतरराष्ट्रीय बन्य प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय सिटीज परिशिष्ट एक में शामिल है और भारतीय टाइगर रिजर्व देखें तो आप देखें कुल संख्या तिरपन है भारत में किसकी टाइगर रिजर्व की बात हो रही है और सबसे बड़ा आप देखिए मुख्य क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है और सबसे छोटा आप देखिए मुख्य क्षेत्र के आधार पर असम में ओरांग टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा इसमें सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें और हर साल उनतीस जुलाई को आपका विश्व बाघ दिवस भी मनाया जाता है टाइगर दिवस भी मनाया जाता है और आप देखेंगे उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था और इसमें आप देखेंगे कि उन्नीस से शुरू हुआ था और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की की एक केंद्र प्रायोजित योजना है यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह एम ओ ई एफ सी सी के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था एन NTCa का गठन वन्यजीव अधिनियम की धारा उन्नीस की धारा अड़तीस एल एक के तहत किया गया था कंजर्वेशन बो एसोर्ड एक बाघ मानक या आप देखें सी ए आई टी एस मानकों का एक समूह है जो बाघ स्थलों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है क्या उनके प्रबंधन से बाघ संरक्षण सफल होगा या नहीं होगा जो आप लोग तिरपन टाइगर रिजर्व देखते हैं ना उन्हें देख लीजिए इसमें आप देखिए सबसे पहले असम वाले को देख लीजिए असम के क्षेत्र में जो देखने को मिलते हैं इसमें मानस आपको देखने को मिलेगा उन्नीस सौ में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था नामेरी भी असम में देखने को मिलेगा उन्नीस में काजीरंगा दो में ओरांग दो में ये चार आपको टाइगर रिजर्व असम में देखने को मिलेगी फिर अगर आप लोग अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो मदफा उन्नीस सौ में पाकुई उन्नीस सौ सन 2000 में कमलांग 2016 में ये तीन आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे फिर आ जाइए आप लोग आंध्र प्रदेश नागार्जुन श्री सैलम आपको देखने को मिलेगा उन्नीस सौ में बिहार में आपको वाल्मीकि देखने को मिलेगा उन्नीस सौ नवासी नब्बे में फिर आप देखिए छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती देखने को मिलेगा अचानक मार देखने को मिलेगा उदंती सीता नदी देखने को मिलेगा झारखंड में आपको पलामू देखने को मिलेगा मिजोरम में आपको डंपा देखने को मिलेगा और राजस्थान में रडथम्बोर हो गया सरिस्का हो गया मुकुंददरा हिल्स हो गया रामगढ़ विसधारी अभ्यारण्य हो गया फिर आप लोग आ जाइए कर्नाटक तो बांदीपुर भद्रा नागरहॉल दांडेली अंसी बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे फिर केरल में आ जाइए प्रियार परम बीकुलम आपको देखने को मिलेगा ये दो केरल में देखने को मिलेंगे फिर आ जाइए मध्य प्रदेश में इसमें काना पैंच बांधवगढ़ पन्ना सतपुड़ा और संजय डूबरी देखने को मिलेंगे फिर महाराष्ट्र में आ जाइए मेलघाट पैंचोब अंधेरी सहाद्री नवेगांव नागजीरा और बोर ये छः आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में आ जाइए दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ और रानीपुर आपको देखने को मिलेगा रानीपुर सबसे नया है उत्तराखंड में जिम कार्बेट राजा जी देखने को दो मिलेंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बुक्सा तेलंगाना में कबल उड़ीसा में आप देखेंगे सिमलीपाल सत कोसी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में आप देखेंगे कालकड़ मुंदथुर अन्ना मलाई और मधुमलाई और सतमंगलम आपको देखने को मिलेंगे तो ये भी याद रखिएगा तो ये आप देखेंगे टाइगर से जुड़ी हुई एक सामान्य जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे पॉइंट हो सकते थे उन्हें भी हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है चलिए आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर नीचे बता सकते हैं